बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ टीपू सुल्तान दी बिज़नेस कोच एंड ट्रेनर। आपको हम वेलकम करते हैं बिज़नेस उड़ान सीरीज़ में, जिसका मकसद है कि कोई कारोबार छोटा नहीं होता। आज हम आपके लिए लाए हैं कि ऑफिस फर्नीचर का बिज़नेस कैसे शुरू किया जा सकता है। आपको पता है कि फर्नीचर का बिज़नेस ऐसा है कि जो हर बंदा एक आसानी से शुरू नहीं कर सकता, जिसके लिए एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन आज हमारे साथ हैं किफायतुल्ला भाई, जो आपको बताएँगे कि कैसे एक बिज़नेस जो है ना, बिज़नेस ऑफिस फर्नीचर का शुरू किया जा सकता है। जी वेलकम जी किफायतुल्ला भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हम यहाँ मरी रोड वारिस्तान स्टॉप से या खैबर फर्नीचर से बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस फर्नीचर का काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर और ऑफिस सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग चेयर, ये सारा कुछ शामिल है। और ये काम, इसके लिए इतनी ज़्यादा लागत की भी ज़रूरत नहीं होती है। 8-10 लाख से भी ये काम शुरू किया जा सकता है। तो आप आ जाएं और बिस्मिल्लाह करें, इंशाल्लाह बरकत जो है ना तिजारत है इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है आपको। जी तो हमने देखा कि ये काम जो है 8-10 लाख से भी शुरू किया जा सकता है। तो फैतुल्ला खान साहब बताएँगे वो कितने अरसे से इस ये काम कर रहे हैं। जी हमारा इस काम में तजर्बा तकरीबन 15-20 साल से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तजर्बा रहा। और हमने भी बहुत सारे अपने रिश्तेदारों को भी यहाँ पर लाया और उनने दूसरे की ग़ुलामी छोड़कर ख़ुद अपने चीज़ के मालिक बन गए और ख़ुद अपने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने मकानात ख़रीदे, अपने प्रॉपर्टी ख़रीदे और बहुत अच्छा काम उनका सेटअप चल रहा है वो। तो जी अब हम पूछते हैं किफायतुल्ला खान भाई से कि इसमें कितना खर्चा आता है, यानी कि कितने मंथली खर्चे हैं महीने के और कितनी उसकी इनकम, कितनी हमें मिलती है उसकी। इसमें तकरीबन आपका दुकान का जो किराया हो 50,000 किराया हो जाए और 20,000 जो है ना हेल्पर का हो जाए, बाकी 3-4 हज़ार जो है ना बिजली का बिल लगा के, तो ये इतना ज़्यादा इसमें वो नहीं है, इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ बस 8-10 लाख से भी ये काम शुरू किया जा सकते हैं। आप भी आ जाएं, बिस्मिल्लाह करें और ख़ुद अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। जी हम अभी बात करें खैबर इंटरप्राइज, जो कि वारस खान मरी रोड के ऊपर दुकान है और इनके रेट और क्वालिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और पूरे हमारी फैमिली इनसे आगे परचेजिंग करती है। इनकी रेट और क्वालिटी के ऊपर ये कंप्रोमाइज़ नहीं करते और ये इंपोर्ट भी करते हैं फर्नीचर। तो इस बारे में हम पूछते हैं कि ये कहाँ से इंपोर्ट करते हैं और क्या क्या चीज़ें, ये कौन से फर्नीचर, कौन सी वो चीज़ें हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ लोकल फर्नीचर भी है और इंपोर्टेड भी है। लोकल फर्नीचर में सोफ़ा सेट हो गया, टेबल हो गया, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, इसमें रिवॉल्विंग चेयर, विजिटर चेयर, और ख़ुद हम अपना इम्पोर्ट भी करते हैं बाहर चाइना से, और कॉन्फ्रेंस टेबल भी है, कॉन्फ्रेंस चेयर भी है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह A to Z फर्नीचर की जितनी भी वैरायटी है वो सारा कुछ हमारे यहाँ मौजूद होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है और ये खैबर इंटरप्राइज पे मैं पिछले लास्ट 1 साल से आ रहा हूँ तकरीबन। और किफायतुल्लाह भाई जो है काफ़ी अच्छी डीलिंग करते हैं, माशाल्लाह इनकी जो प्राइस है मार्केट प्राइस से काफ़ी बेहतर होती है। और मैंने कई दफ़ा कंपैरिजन किया है कि ये जो बाकी मार्केट में उनसे तकरीबन इनका 5-10% जो है ना इनका बेहतर रेट होता है और क्वालिटी भी अच्छी होती है और जो कमिटमेंट करते हैं उसको माशाल्लाह फुलफ़िल करते हैं, तो ये इनकी बड़ी अच्छी बात है। तो बाकी आप लोग भी आएँ और विज़िट करें, माशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, ये अच्छा सेटअप है, अच्छी डीलिंग है और प्राइस वाइज बहुत बेहतर है, आप मार्केट में कंपेयर कर लीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया किफायतुल्ला भाई, आपने टाइम दिया और हमने देखा कि हमारे पास कस्टमर ने भी इनकी डीलिंग को, क्वालिटी को, रेट को जो है ना एंडोर्स कर दिया है, यानी कि वो भी कह रहे हैं कि अच्छे रेट हैं। तो थैंक यू वेरी मच। तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स एंड शेयर माय चैनल बिज़ विंग्स। थैंक यू वेरी मच।